हे नमस्कार दोस्तों, मैं दीपक कुमार स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने ही चैनल इन्वेस्ट फॉर वेल्थ पे। दोस्तों बात करेंगे कल मार्केट कैसा रहेगा, कौन से स्टॉक्स में आप ट्रेड कर सकते हैं। वीडियो में आगे बढ़ेंगे, आगे बढ़ने से पहले चैनल को नहीं किया है सब्सक्राइब तो कर लीजिएगा, बेल आइकन को जरूर हिट कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलते रहे। सबसे पहले बैंक निफ्टी डिस्कस करेंगे। बैंक निफ्टी में अगर हम देखें तो रिमूव ऑल ड्राइंग कर देते हैं। आज हमारा ऑब्जर्वेशन था मार्केट थोड़ा सा निकलना चाहिए ऊपर, और एग्जैक्टली ऐसे ही हो रहा था क्योंकि यहाँ पे अगर हम देखेंगे पूरा का पूरा ये हर्डल एरिया था, और ये हर्डल एरिया के आसपास कहीं ऊपर मार्केट यहाँ पे निकलने की कोशिश किया, ये हमारा जोन था। कल हमने डिस्कस किया था पोस्ट मार्केट वीडियो में, इसके ऊपर मार्केट निकलता तो अच्छा खासा मूव आना चाहिए था, मार्केट यहाँ पे निकला है। बट आज साइडवेज मार्केट एक हमें मिल गया क्योंकि ये पूरा एक सप्लाई एरिया था। चलो इसका मतलब ये नहीं है कि हमने कोई ट्रेड नहीं प्लान किया था मॉर्निंग आवर में, हमने एक बाइंग साइड में प्लान किया। 20-22-25 पॉइंट में मैं निकल गया था, उसके बाद हम सारा दिन साइडवेज रहा मार्केट। यहाँ पे हम सेलिंग भी ट्राई किए थे, ये रेंज बनाया, बॉक्स बनाया, इस बॉक्स के नीचे जब मार्केट निकला तो हमने सेलिंग प्लान किया, लेकिन यहाँ पे भी हमें अच्छा खासा प्रीमियम्स नहीं मिले, तो आज के दिन थोड़ा सा साइडवेज ही रहा है। अभी अगर थोड़ा सा मैं वन डे के टाइम फ्रेम में चलूँ तो यहाँ पे रिमूव ऑल ड्राइंग करके वन डे के टाइम फ्रेम में आ गया है। वन डे के टाइम फ्रेम पे अगर हम देखेंगे यहाँ पे मार्केट अभी भी डायरेक्शन नहीं ले पा रहा है किस तरफ जाना है मार्केट को। यहाँ पे मार्केट ने एक इनसाइड कैंडल बनाया था, इनसाइड कैंडल के ऊपर हमने डिस्कस किया था कि बेबी कैंडल या मदर कैंडल का ब्रेकआउट होगा तो अच्छा खासा मूव आ सकता है। अभी मदर कैंडल सेफ पड़ा है, मदर कैंडल के ऊपर निकलने की कोशिश तो किया है लेकिन कहीं ना कहीं क्लोजिंग इसके ऊपर नहीं मिल पाया है, तो थोड़ा सा अभी हम बाइंग में आ जाएंगे। अगर 44,180 के ऊपर डेली टाइम फ्रेम पे क्लोजिंग हमें मिल जाए, अभी अगर हम कल के लिए प्लानिंग देखें तो हमारा क्या प्लानिंग रहने वाला है, तो यहाँ पर एक रेंज हमारे पास निकल कर आ रहा है, इसको मैं थोड़ा सा अभी एडजस्ट करके आज के हाई पे लगाऊंगा। तो आज का हाई जो बन रहा है 265 के आसपास बन रहा है। अगर तो मार्केट फ्लैट खुलने के बाद अगर नीचे आ रहा है तो ये एरिया आज का लो एरिया को अगर ब्रेकडाउन कर रहा है तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा बेरिश रहेगा, लेकिन यहाँ से सीधा 44,000 के आसपास है। 44,000 के आसपास एक लॉजिक मैं आपको समझा रहा हूँ, जब भी मार्केट कोई स्ट्रांग लेवल या कोई राउंड लेवल को हिट करता है वहाँ पे मार्केट अगर टाइम स्पेंड कर रहा है, इट मीन कि मार्केट रिवर्स हो जाएगा, वहाँ पे फिर रुकना नहीं चाहिए, मार्केट सीधा क्रॉस करना चाहिए। तो कल 44,000 एक इंपॉर्टेंट लेवल हमारे लिए ज़रूर है, बट वहाँ पे अगर रुकेगा, हमने मान लीजिए 44,080 के नीचे सेल किया, पुट लिया, और जब मार्केट नीचे की तरफ आ रहा है 44,000 के आसपास अगर रुकने लगा एक कैंडल दो कैंडल तो हम तुरंत एग्जिट कर जाएंगे। बट अगर सीधा क्रॉस कर दिया या निकल गया सीधा तो फिर हमारे टारगेट्स नीचे 800 तक के भी बन सकते हैं, तो कल काफ़ी अच्छा खासा डे मिल सकता है हमें, देखेंगे, वेट करेंगे थोड़ा। फिर निफ्टी की एक्सपायरी भी है, नज़र रखेंगे फिर निफ्टी के ऊपर भी, आज अच्छा खासा कंसोलिडेशन मिला है तो एक अच्छा मूव मिलना चाहिए हमें। फ्लैट खुल के अगर क्रॉस करेगा हम नीचे की तरफ जाएंगे। बाइंग हम कब करेंगे, बाइंग थोड़ा सा गैप अप खुलना चाहिए। देखिए यहाँ पे एक दिन गैप अप खुला, गैप अप खुल के मार्केट यहाँ पे टाइम स्पेंड करवाया नीचे की तरफ थोड़ा सा, आज फिर गैप अप खुला, गैप अप खुलने के बाद ऊपर स्टैंड करके फिर से नीचे आ गया है, तो इस बार भी अगर गैप अप खुलेगा तो बार बार जो है वो सेलर ट्राई नहीं करेंगे, इस बार सीधा फिर ऊपर निकलना चाहिए। इस बार अगर थोड़ा ऊपर बुलिश कैंडल बनाएगा, 5 मिनट का कैंडल या फिर 44,250 का ब्रेकआउट करेगा तो हम बाइंग साइड में ट्रेड लेंगे, बहुत अच्छा खासा सिनेरियो हमें देखने को मिल सकता है, लेकिन बाइंग हम सिर्फ गैप अप के सिनेरियो में करेंगे। अगर फ्लैट खुलेगा या गैप डाउन खुलेगा तो हम बाइंग के लिए प्लान नहीं करेंगे, सिर्फ सेलिंग प्लान करेंगे, ये हमारा सिनेरियो रहने वाला है कल के लिए। और एक ही पूरा जोन भी बन गया, अगर आप ध्यान से देखोगे नीचे हमने 800 का लेवल लगाया और ऊपर हमने ये वाला एरिया लगाया, तो ये दोनों एक अच्छा खासा जोन बन गया, एक रेंज बन गया है, मार्केट इस बॉक्स में इस रेंज में लगातार कंटिन्यूशन कर रहा है, तो ये एक वॉलेटाइल एरिया भी है। यहाँ पे अगर रहा बीच में तो उतना अच्छा आपको सेटअप मिलने वाला है नहीं, तो थोड़ा सा इसके नीचे या ऊपर निकलेगा तभी हम ट्रेड करेंगे। निफ्टी की अगर हम बात करें वनडे के टाइम फ्रेम में, सॉरी वनडे की देखने की जरूरत नहीं है, निफ्टी यहाँ पे हमारा एक कंसोलिडेशन बना दिया है। बाइंग साइड में हमारा एक्टिवेट कब होगा प्लान, बाइंग साइड में वैसे तो ये वाला एरिया हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर 18,650 के ऊपर निकलेगा तो हम एक बाइंग साइड के लिए प्लान कर सकते हैं। सेलिंग हम कल कहाँ कर सकते हैं, सेलिंग अगर आज का रेंज या आज का लो ब्रेक डाउन कर रहा है तो हम सेलिंग साइड में थोड़ा सा आएंगे, हमारा जो टारगेट रहेगा 18,480 तक का लेवल दिखा सकता है, अगर इसके नीचे निकलेगा हम और भी सेलिंग में जा सकते हैं। मार्केट गैप अप खुलता है और क्रॉस करता है 650 का लेवल, हम बाइंग कर सकते हैं, 728 तक का टारगेट हमारा देखने को मिल सकता है, ये हमारा निफ्टी में सिनेरियो रहेगा। फिर निफ्टी जैसा कि मैंने बोला कल देखने का थोड़ा सा ध्यान में रखना चाहिए, तो यहाँ पे कल मैंने डिस्कस किया था एक रेंज है इस बॉक्स के ऊपर हम बाइंग कर सकते हैं, बट खुला ही इस बॉक्स के ऊपर है, थोड़ा बहुत फर्स्ट कैंडल बनाया उसके बाद सारा दिन साइडवेज हो गया है, तो यहाँ पे लास्ट एक अग्रेसिव सेलिंग आई थी इस जगह से, इस जगह के आसपास कहीं ना कहीं रुक रहा है, 500 का राउंड लेवल है, तो 510 के ऊपर हम बाइंग करेंगे, लेकिन सेलिंग हम इमीडिएट लेवल पे कर सकते हैं अगर मार्केट गैप अप खुला थोड़ा बहुत या फिर फ्लैट खुला। फ्लैट खुल के अगर 428 ब्रेक डाउन करेगा हम एक सेलिंग साइड में प्लान करेंगे, हमारा टारगेट होगा 317 और 317 के नीचे और भी नीचे हम जाते हुए देख सकते हैं, ये हमारा सिनेरियो रहने वाला है। स्टॉक्स के बारे में अगर हम देखें सबसे पहले रिलायंस इंडस्ट्रीज़ पे थोड़ा सा नज़र रख लीजिएगा, रिलायंस इंडस्ट्रीज़ कल आपको पैसा देता हुआ मिल सकता है, तो यहाँ पे मैं लगा लूँगा रिलायंस इंडस्ट्रीज़,
ये रिलायंस इंडस्ट्रीज आ चुका है और यहाँ पे अभी देखेंगे यहाँ पे कंसोलिडेट कहाँ पे किया है, एक रेजिस्टेंस एरिया पे कंसोलिडेट किया है, ये एक सप्लाई एरिया था, इसके जगह आसपास कहीं ना कहीं मार्केट रुक रहा है, तो ये रेंज है, एक रेंज अगर ये ब्रेकआउट करेगा कल हम एक बाइंग साइड के लिए प्लानिंग करेंगे, 2480 रुपये से 2483 का रेंज है, ये निकाल देगा, हम बाइंग साइड में जा सकते हैं। सेलिंग हमें इतना अग्रेसिव नहीं होना है, बट फिर भी अगर मिलता है तो छोटा मोटा सेलिंग आप 2473 के नीचे प्लान कर सकते हैं। मार्केट गैप अप खुला, फ्लैट खुला, फ्लैट खुल के ये क्रॉस करेगा तो यहाँ पे कंसोलिडेशन का ब्रेकडाउन और थोड़ा सा नीचे आपको आता हुआ मिल सकता है 10 से 12 रुपये का टारगेट। और अगर ये वाला एरिया सारा ब्रेकडाउन कर रहा है, जो एरिया बन रहा है वो मैं आपको यहाँ पर मार्क कर दे रहा हूँ, ये एरिया ब्रेकडाउन कर रहा है 2450 का लेवल, तो एक सेलिंग साइड में हम प्लान कर सकते हैं, ये हमारा सिनेरियो रहने वाला। नेक्स्ट हमारे पास कौन सा स्टॉक है, टाटा मोटर बहुत सही चल रहा है और कंटिन्यूशन में है, बहुत बढ़िया बाइंग 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 कर रहा है, यहाँ पे रात को यहाँ पे हॉल्ट दिखाया है, कल भी हमने टाटा मोटर डिस्कस किया था, आज बहुत बढ़िया पैसे बनाए होंगे, सेम वही सिनेरियो है कल आज वाला जो आज ट्रेड बना, ये हमारा बॉक्स पैटर्न है, ऊपर या नीचे कहीं भी ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन किया बहुत सही हमें ट्रेड मिल सकता है, गैप अप या गैप डाउन खुल गया उस कंडीशन में थोड़ा सा हमें टाइम स्पेंड करना पड़ेगा, रुकना पड़ेगा, लेकिन अगर इस रेंज में खुला तो बहुत शानदार पैसा आपको दे सकता है। होप करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा है, वीडियो अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, मिलते हैं किसी और वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद जय भारत।